नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोस में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है अल्लाह के नाराज होने की निशानी बाय मौलाना तारिक जमी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में। ऐसा क्या खास है? उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज होता है हमें कैसे पता चले कि तो आजकल अपने बंदों से नाराज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं नाराज होता हूं हुकूमत बेवकूफों को देता हूं। अजालुल मुल्क फी सुफहाइहिम, हुकूमत बेवकूफों को देता हूं। वल माल फी बुखलाइहिम, और पैसा बखीलों को देता हूं, जो जरा गिन गिन के खुश होते रहे, और बारिशें बे वक्त करता हूं। बारिशें बे मौसम की हो जाती हैं, पैसा बखीलों के पास, हुकूमत निकम्मों के पास। कयाला, जब तू राजी होता है तो उसकी क्या निशानी? तो उसकी निशानी यह है कि अजअलुल मुल्क फी उलमाएहिम, हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूं। वल माल फी सुमहाएहिम, और पैसा सखियों को देता हूं, और बारिशें वक्त पे करता हूं। तो मूसा, समझो मैं अपने बंदों से राजी हो चुका। तो इत्आम व तआम में इशारा, सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह ताला की एक वीआईपी जन्नत है जिसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ने बाकी जन्नतें बनाई, कुन कुन कुन, जन्नतुल फिरदौस बनाई अपने हाथों से। क्या चीज बनाई होगी? तो अल्लाह ने कहा, व इज्जती व जलाली ला युजावरुनी फी की बखील, ए जन्नत, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, तेरे अंदर बखील नहीं जा सकता। मर्द या औरत बखील नहीं जा सकता, सखी जाएगा, बखील नहीं जा सकता। बखील से अल्लाह की दोस्ती लग नहीं सकती, और सखी से टूट नहीं सकती। शैतान कहता है, मैं इबादत गुजार और बखील हो तो मुझे कोई डर नहीं लगता, ये आप ही मारा जाएगा। हे कहते हैं, आप ही जा बैठाना है, ये जो पैसे की कशिश उसको मार देगी। और नाफरमान सखी से डरता रहता हूं कि पता नहीं कब बख्शा जाए, पता नहीं कब बख्शा जाए, कब सखावत को अल्लाह पसंद करके चलो पार कर। अच्छा, जिब्रील पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने फरमाया, अंतुमेना बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली व बिलबासे बादल मौत। ईमान अकीदा, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, मौत के बाद की जिंदगी। ये मदीने का सवाल है। अब आखिरी हज का सवाल है, या रसूल अल्लाह मल ईमान। पहले सवाल करने वाले जिब्रील हैं, और ये सवाल करने वाले अमर बिन अब्स हैं, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने क्या जवाब दिया? असब्रु वस्समाहत, असब्रु वस्समाहत। अब छत बता रहे हैं, ईमान ये है, सब्र कर और माफ कर, सब्र कर और माफ कर। मेरे भाई बहनों, मेरे रब की कसम, जैसे ये है ना, वजालना मिलल मा कुल शैन हय्यन अफला युमिनून, अल्लाह ने हर जानदार का लाजमी जुज पानी बनाया। पानी, पानी निकाल दो तो आदमी मर जाता, डिहाइड्रेशन से मौत वाकई हो जाती। हर जानदार का लाजमी जुज पानी, दीन की तमाम सिफात का लाजमी जो सबर, सबर निकाल दो तो सारा दीन कचरा बन जाता, सबर निकाल दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, ईमान क्या है? सबर करना, माफ करना। माफ वही करेगा जो सबर करेगा, जिसे सबर नहीं आता उसे माफ करना भी नहीं आता। तो ईमान क़यामत के दिन ऐलान होगा, सबर वाले खड़े हो जाओ, थोड़ी सी जमात खड़ी होगी, बल्कि चलो जन्नत में जाओ, उनको अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में डाल देगा। जब आप सब्र करते हैं तो एक ताकत बनता है, लोगों की मनफी चीज़ों को आप अपने अंदर सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। सब्र उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है, फिर वो ताकत बना के आपके अंदर से बाहर फेंकता है,
जो पहाड़ों में सुराख कर देती है अगर हम सब्र करना सीख और माफ करना सीख। 21 बरस कत्ल करने वालों के मंसूबे बनाने वाले अहले मक्का, आपने एक बोल पे फरमाया जाओ माफ। कमाल, 21 बरस कत्ल के पीछे फिरते रहे। जंग खंदक के फौरन बाद मक्का में कहत आ गया तो हमारे नबी ने 300 दीनार को 10-15 लाख रुपया बनता है, आपने मक्के में अबू सुफियान को भिजवाया जो जंग खंदक का सालार बन के आया था। आपने कहा मक्के वालों में कहत है इनको खाने खिलाओ मेरी तरफ से, तो अबू सुफियान कहने लगे वाह मोहम्मद तेरे कुर्बान जाऊं, हम तुझे कत्ल करने के पीछे फिर रहे तो हमें खाने खिलाता फिरता है। वाह क्या बात बोली है, ये मेरे नबी के अखलाक है, मेरे नबी को माफ करना। आप सोए हुए हैं, आपकी तलवार उठाकर एक बद्दू ने आपके पसली में मारी, आप उठ के बैठ गए तो कहने का कौन बचाएगा, यानी मैं तैयार हो जा। तो आपने कहा अल्लाह, आपने कहा अल्लाह तो उसका हाथ कांपा और तलवार गिर गई। तब आपने उठा ली, आपने ऐसे सीधी की, अब तू बचा, तू बता तुझे कौन बचाए। वो कहने लगा मैंने तो तू ही बचावना है और कहीं बचावना। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो, कहने लगा नहीं पढ़ता। अब तो आप उसकी गर्दन उड़वा दे, ये खुद ही उड़ा देते जो कह रहा मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं। कत्ल के इरादे से आना ही उनके उसके कत्ल के लिए काफी था। आपने फरमाया कलमा पढ़ते हो, कहने लगा नहीं। आपने कहा जाओ माफ, जाओ माफ, सहाबा के सामने जाओ माफ। भाइयो इंसान और खता लाजमी है, अगर माफ करना ना सीखा तो हम खुद ही दुखी होकर रह जाएंगे। लोगों के जख्म भुला दो, अल्लाह पर डाल दो, अल्लाह सिला देगा, जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। देखो हम अपने ये कुर्ते पर दाग नहीं लगने देते, अपने बस से दाग, खाना खाने बैठो नैपकिन, ये देखो अभी नैपकिन पड़े हैं, रखो अगू रखो तोड़े चोले तो कोई सालन ना ढह पावे, ठीक ये तो फिर भी धुल जाएगा। लेकिन यहां दाग लगा कभी नफरत का, कभी गुस्से का, कभी इंतकाम का, कभी हसद का, कभी बुग़्ज़ का, कभी कीने का। इंसान सबसे ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत करता है। ये मामूली से कपड़े को दाग से बचाते हो, जो सबसे कीमती चीज है दिल जो बादशाह है, इसे भी तो साफ सुथरा रखो। ये बात तो सही, जैसे हम लाख जोर लगा लें हम कपड़े को मैल से नहीं बचा सकते, लाख जोर लगा लो लोगों के मनफी रवैये आपको तोड़े बगैर नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा क्या करो नबी वाला, माफ करो, माफ करो, दिल को साफ करो, दिल को साफ करो, दिल को साफ करो, सबर करो, माफ करो। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बेटे अनस एक बहुत बड़ी सुन्नत बताऊं, बहुत बड़ी सुन्नत, दाढ़ी सुन्नत है, पगड़ी सुन्नत है, सफेद लिबास सुन्नत है, बहुत बड़े का लफ्ज मुझे यही याद है, हो सकता है कहीं और भी हो। मेरे बेटे अनस एक बहुत बड़ी सुन्नत, अगर तू ये सुन्नत पे अमल कर गया तो तू जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा, जो भी कर ले, जो भी, वो जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा। ज़ालिका मिन सुन्नती वमन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअया फिल जन्नत, मेरा जन्नत का साथी जो इस सुन्नत पे अमल कर गया। क्या है या रसूल अल्लाह, या बुनैया इन कदर था, अगर तू कर सके, इशारा है कम तनु औखा दसन लगा सौखा नहीं है, इन कदर था अगर तू कर सके, इन इस्तता, दो लफ्ज आते कि बेटे काम औखा है लेकिन देखो तुम्हें मिलेगा क्या, जन्नत नहीं, जन्नत में नबी का पड़ोस मिलेगा, एड्डा वड्डा काम तेरा ना, देखो ना 4-5 लाख नालता इतने हूं एक गज नहीं लगता, तो कोई बंदा बोझ पा के आज 1 लाख रुपए का 2000 गज का बंगला लै दे तो आखिर पागल खाने कर लो इन।
जन्नत का मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है, पर जन्नत में नबी का साथ मिलना कोई सौखा काम तो नहीं होगा, हेकारी तो पसीना आवेगा। आपने फरमाया बेटे इन कदर था, जोर लगेगा, अंतुस्बिह वतुमसिया, सारी जिंदगी करना पड़ेगा, सारी जिंदगी करना पड़ेगा। दाढ़ी तो एक दफा रख लिया, थोड़ी सफाई सुथराई है, लेकिन ये रोजाना करना पड़ेगा, सुबह शाम करना पड़ेगा, सारी जिंदगी करना पड़ेगा, और तो इसमें थकेगा। क्या है, वले सफी कल्ब का गशन ले अहदन फफअल, सुबह शाम इस दिल में किसी की नफरत ना आने देना, किसी के लिए बुगज ना आने देना, किसी का खोट ना आने देना, किसी से कीना गिश, सारे अल्फाज को अपने अंदर समेटे हुए। और मेरे नबी की अजीब बात, ले आहद, ले आहद, ले आहद, किसी भी इंसान, मुसलमान नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा, नेक आदमी नेक औरत नहीं, किसी भी इंसान, ले आहदिन, आज ले आहद 7 अरब इंसानों पे बोला जा रहा है। मेरे नबी फरमा रहे हैं मेरे बेटे दुनिया के तमाम इंसानों से दिल साफ रखना, क्या होगा, चाहिए तू जन्नत में मेरा साथी बन जा। तो भाइयों बहनों, ईमान को मुकम्मल करना है तो सब्र करना सीखो, माफ करना सीखो, चुप रहना सीखो, साज खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं, जवाब देना तो क्या मसला है, ताकत चुप रहने पे लगती। कोई उभर जाए, बेटा उभर जाए, बीवी उभर जाए, खामिद उभर जाए, चुप हो जाओ, गुजार दो इस तूफान को, वापसी में ईमान की वो अल्लाह हलावत मिठास देगा, सारी जिंदगी महसूस करते फिरो। ये सिफत भी मुआशरे में कोई नहीं, ना कोई माफ करना जानता है, ना कोई सबर करना जानता। तो ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मुआशरे में कोई नहीं है, मैं और आप कर लेंगे तो हमारी कीमत बड़ी लग जाएगी। तो इस्लाम की इब्तिदा भी बता दी, इंतहा भी बता दी, ईमान की इब्तिदा भी बता दी, इंतहा भी बता दी। ये शुरू होता है इबादात से, अकायद से, और मुकम्मल होता है अखलाक पर, दरगुजर पर, अखलाक की तमाम सिफात पर। भाई वैसे देखा जाए तो इनकी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और काफ़ी यूज़फुल रही हमारे लिए, ना, मतलब कि इन्होंने दो वाक्य पर मतलब जोर दिया कि एक माफ़ करना, एक अपना मतलब जो आप वो सबर करना, ये दो वाक्य, मतलब जो बंदा जो अपनी ज़िंदगी में दो इन चीज़ों के ऊपर अमल कर लेगा वो उसका जीवन मतलब सफल हो जाएगा। हाँ, और देखा जाए तो अगर मेन इन्होंने ये एक तरह से एग्जाम्पल दिया था कि जो कपड़े होते हैं जो इस पर दाग लग सकते हैं, पर ये तो साफ़ हो सकते हैं, जो अंदर जो दाग लगते हैं हमारे दिल के अंदर वो साफ़ नहीं हो सकते, तो इनको काफ़ी अच्छा बयान था ये इनका। हाँ, मैंने मतलब कि इनकी मतलब कि जो ये बयान देते ना काफ़ी मतलब भी इन्फॉर्मेटिव, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है बयान में, मतलब कि रियल लाइफ से भी हमारा अटैचमेंट होता है उस बयान से। बस सही कि उन्होंने ये बोला कि जिस तरह हम अपने कुर्ते को साफ रखते हैं वैसे भी हम अपने दिल को भी साफ रखें, इस पर एक दाग लग रही है ऐसे, और जो ये मेन इनको पता अपने गुस्से को काबू में रखे, कोई उल्टा ना बोले, मतलब कि एक इंसान के करेक्टर के बारे में बता रहे थे, अगर हम इन चीज़ों को अपना ले तो हमारा जीवन मतलब कि सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, जो आजकल जो इंसान है वो काफ़ी लालची होता जा रहे हैं, और इन्होंने स्टार्टिंग में दो वाक्य बोले थे कि मतलब कि जब भगवान गुस्सा होता तो वो क्या करता है, तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बताया कि वो बेवकूफ़ लोग भेज देता है, बारिश कर देता है बिन मौसम पर, बारिश कर देता है, और जो ये भी बताया कि जब भगवान खुश होता है वो समझदार लोग भेजता है, अपने मौसम के अकॉर्डिंग बारिश होती है, मतलब क्या काफ़ी अच्छे वाक्य बताए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हम नेक्स्ट वीडियो किस पे। और गाइस, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते।